हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मतलब इन चारों फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर का नाम है लाला अमरनाथ, जो कि 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ 118 रनों की पारी खेले थी। अगर बात करें वनडे की, तो भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव हैं। उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप के दौरान जिम्बाब्वे के विरुद्ध अहम मौके पर 138 गेंदों में 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अगर बात करें T20 की, तो रोहित शर्मा ने 4-4 शतक जरूर लगाए हैं, लेकिन पहला शतक सुरेश रैना ने लगाए थे। उन्होंने 2010 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 60 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए थे। और IPL में पहला शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर मनीष पांडे हैं। उन्होंने 2009 में RCB के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध 73 गेंदों में 114 रनों की नाबाद पारी खेली थी।